अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होम किचन। आज होम किचन में हमने बनाया है मज़ेदार विंटर स्पेशल मिक्स सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी है। और सर्दियों में तो सब्ज़ी का खाने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि बड़ी फ्रेश फ्रेश आती है और मज़ेदार होती है। तो चलिए देखते हैं ये हमने कैसे बनाई है। मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिए हैं गोभी के फूल लिए हैं, जिनके फूल निकाल लिए हैं हमने इस तरीके से। आलू लिए हैं दो, जिनको चॉप कर लिया है। थोड़े से मटर हैं, गाजर हैं, इनको हमने इस तरीके से कट किया है क्यूब्स में। और थोड़ी सी मेथी है, ये हमने 3 पाव के करीब ली थी, यानी कि 750 ग्राम। इसको हमने वॉश करके कट कर लिया है और हम अब इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर बनाएंगे मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैंने 2 से 3 साबुत गोल मिर्चें डाली हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। मैंने 2 अदद इसमें टमाटर लिए हैं। टमाटर के साथ मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी कट करके डाली हैं। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे, 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे सब्ज़ी थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। 1/2 स्पून में इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 स्पून इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं 1 से 1.5 स्पून डाल रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मसाला देखें अच्छे से भुन गया है, थोड़ा सा हम टमाटर को प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसमें 1-1 करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हमारे बर्तन नहीं है डाट, डालेंगे इसमें मटर, सारी वेजिटेबल्स हम ऐड कर लेंगे, गाजर। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद से जो भी वेजिटेबल्स आप खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे। डालेंगे आलू, गोभी हम अब इसमें नहीं डालेंगे, इसको हम दम पे डालेंगे जब बिल्कुल हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा गलाना नहीं है। इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छे से। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है माशाल्लाह। हम इसमें डालेंगे मेथी, अच्छे से इसको आप बिछा दें, क्योंकि ये जब इस अपना पानी रिलीज़ करेगी तो ये बैठ जाएगी। इसको ऐसे ही डालकर इसको कवर कर देंगे। मेथी हमने सारी इसमें डाल ली है, अब मैं इसको कर रही हूँ कवर, जब तक ये अपना पानी रिलीज़ करेगी फिर हम इसको चलाएंगे, अभी हम इसको नहीं चलाएंगे। चेक कर लेते हैं, मेथी ने सारा पानी रिलीज़ कर लिया है। अब हम इसको और नीचे कर लेंगे ताकि ये सारी सब्ज़ियाँ मिक्स हो जाएं। आलू भी देखें तकरीबन हमारे गल चुके हैं, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसका जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है ये हम इसको बिल्कुल भूनेंगे ऑयल आने तक, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी सारी गल चुकी हैं। तो मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई करूँगी और इसको भूनूँगी। ये देखें सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी, ये जो हमने गोभी के फूल हैं
ये दम पे लगा के इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ये फूल भी गल जाएंगे। फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए खूबसूरत से गोभी के फूल हैं, ये भी ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो स्किप कर दें। वैसे ये बहुत मज़े के लगते हैं इसके साथ। मैं इसको कर दूंगी कवर जब तक ये गल जाएंगे। हम इसको चला देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें भी सारा मसाले का टेस्ट आ जाए। और इसे थोड़ा सा कवर कर देंगे 5-6 मिनट को। तो ये थी हमारी आज की विंटर स्पेशल मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल बटन है उसे दबा के ग्रे कर दें और सब्सक्राइब हो जाएँ और हमारे होम किचन की फैमिली में शामिल हो जाएँ। तो कल फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक